नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS62 Point पे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण क्या है आपका GS के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोनों सभी के लिए यानी ये जो टॉपिक है आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं आज का टॉपिक है वो क्या है। देखो, आज का जो टॉपिक है जो क्लाइमेटोलॉजी का, वो क्या सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तथा वितरण। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल में। कैसे क्वेश्चन आएगा कि सूर्य तप जो आपका होता है उसके वितरण को जो है कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सूर्य तप होता क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो पहले इसमें क्या होता है, आपको मान लो ये आपका सन हो गया और यहाँ पे आपकी हो गई पृथ्वी। तो जो भी सन से जो सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, सूर्य की प्राप्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, सूर्य तप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इंसोलेशन क्या होता है आपका, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो सूर्य तप होता है तो पूरी पृथ्वी पे एक समान ना नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, स्थान के हिसाब से जो है परिवर्तित होता रहता है, जो यानी कि बहुत से कारकों पर निर्भर करता है कि जो सूर्य तप होता है उसका जो है वितरण कैसा, किस स्थान पे कैसा रहेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम उसी पे ही डिस्कस करेंगे। तो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और खासतौर पर UPPCS और BPSC का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके रखिएगा। फिर GS में क्या है, आज कल आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही एनालिटिकल आ रहे हैं। ठीक है, सामान्य में अध्ययन में जो आता है आपका ज्योग्राफी का पोर्शन, तो बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चाहे UPSC ले लो, चाहे UPPCS ले लो और BPSC भी, हालांकि जो है ऐसे क्वेश्चंस को पूछ रहा है, तो क्या है, ऐसे में हमें भी अपनी तैयारी को जो है उतनी ही तरह अच्छी तरह से अपनी तैयारी को और भी अच्छी से तैयारी करनी होगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा हमें अपनी अप्रोच को। अगर एनालिटिकल क्वेश्चन को पूछ रहा है आयोग, तो हमें भी जो है उसी तरह से पढ़ना होगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, सूर्य तप के बारे में आज। तो क्या है, सूर्य से जो पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण, इसी को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, आगामी सौर विकिरण या सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। फिर पृथ्वी औसत रूप से जो है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर कितना तापमान प्राप्त करती है, 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। यानी कि अगर मान लो आपका ये आपकी पृथ्वी हो गई, इसके ऊपर का आपका ये वायुमंडल हो गया, यानी कि वायुमंडल की जो ऊपरी सरफेस है, और सूरज आपका अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो आपका एक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जो सूर्य की प्राप्ति होगी एक मिनट के अंदर, वो कितनी मिलेगी आपको, 1.94 कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। ठीक है, जो आपका वायुमंडल है ऊपरी, उसकी ऊपरी सतह पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपकी जो ये ऊर्जा है, जो सूर्य तप आपको मिल रहा है, उसको कौन कौन से जो है प्रभावित करते हैं कारक। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पे बर्फ जमी मिलेगी, कहीं पे वर्ष भर गर्मी होती है, तो कुछ तो देखो सूर्य तो वही है, तो सूर्य से आने वाला सूर्य तप तो वही है, लेकिन क्या होता है कहीं पे अधिक गर्मी पड़ती है, कहीं पे बहुत ही ठंडा होता है, जैसे ध्रुव हो गया आपके, तो उसका कारण क्या है, हम उस कारण को यहाँ पे जानेंगे। तो पहला कारण क्या है, क्लाइमा। क्लाइमा का मतलब क्या है आपका, ये जो आपकी पृथ्वी है और आपका ये सूर्य है, तो इससे जो आने वाला जो प्रकाश है उसके लिए यानी कि कितने डिग्री का एंगल कोण, यानी क्लाइमा का मतलब कोण, कितना डिग्री का कोण मिल रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो अगर सरफेस आपकी ये है, सरफेस है, तो अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ज़्यादा मतलब ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर यही कोण जो है ऐसे बनेगा, मतलब एंगल में बनेगा, तो वहाँ पे जो है उसकी जो प्रकाश की गहनता है वो कम हो जाती है। अभी हम बताएंगे अभी कैसे होती है ये। ठीक है, तो हम बताते हैं देखिए कैसे होता है ये आपका। मान लो जैसे आपकी ये बड़ा सा सरफेस, मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है ऐसे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, यहाँ पे जो मान लो पर्टिकुलर कोई एक एरिया ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे किरणें कैसे पड़ेंगी, एकदम सीधी पड़ेंगी ना, लंबवत 90 डिग्री पे। ठीक है, तो जो किरणें पड़ेंगी, जो प्रति इकाई क्षेत्रफल होगा उसमें जो किरणों की गहनता क्या होगी, अधिक होगी, गहन होगी, डेंस होगी।
ठीक है। अगर गहनता अधिक होगी, जो किरणें पड़ रही उनकी संख्या यानी गहनता ज्यादा होगी, तो क्या ऊर्जा भी अधिक प्राप्त करेंगी। फिर अब यहाँ से अगर ये किरणें इधर के लिए जा रही हैं, जब पोल साइड के लिए, तो क्या जो किरणें हो रही हैं कैसी हो रही हैं, तिरछी पड़ रही है ना इस पे एंगल पे। तो यहाँ पे जो ये आपका मान लो प्रति इकाई क्षेत्रफल है, इसमें जो यानी कि जो किरणें पड़ेंगी वो क्या होगी, दूर दूर पड़ेंगी, यानी विरल, यानी कि इनकी गहनता क्या होगी, यहाँ पर जो किरणें पड़ेंगी उनकी गहनता क्या होगी आपकी, कम होगी। अब गहनता अगर कम है तो जाहिर सी बात है सूर्य की माप, सूर्य तप जो है आपका वो कम मिलेगा। अगर सूर्य तप कम मिलेगा तो यहाँ पर गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी तो फिर यहाँ पे इसीलिए ध्रुवों पे बर्फ पाई जाती है, क्योंकि इतना तापमान नहीं हो पाता है कि वो बर्फ को मेल्ट कर सकें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या बर्फ जो पानी होता है वो किस रूप में पाया जाता है आपका, ध्रुवों पे बर्फ के रूप में, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे आपका ये दक्षिणी ध्रुव हो। तो आप समझ गए होंगे कि इक्वेटर पे इतनी गर्मी क्यों होती है और यहाँ पे इतनी ठंडी क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। जो है एक रीजन एक है ये क्लाइमा का, यानी जो सूर्य जो पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश जो आपका पृथ्वी पे आता है उससे जो बनने वाला कोण होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, क्लाइमा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब इसको यही ऐसे ही लिखना है हमको अपने एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आएगा तो वही लिख देंगे हम। पहला हमने सबसे प्रभावी कारक क्या देखा, क्लाइमा का। तो जिन स्थानों पर जो है क्या सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहां प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किरणों की गहनता अधिक होती है, हमने अभी आपको समझा भी दिया कैसे ऐसा होता है, ठीक है, जिससे अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, ठीक है। इसके विपरीत जिन स्थानों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, जिन स्थानों पर जो है सूर्य की किरणें जो है कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, वहां पर क्या है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर क्या होगा, किरणों की गहनता कम हो जाएगी, ठीक है, कम होती है, जिससे क्या होती है सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होती है, ठीक है। अतः क्या है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो है सूर्य तप की मात्रा घटती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी मात्रा घटती है, तो अक्षांश यहाँ पे आपका लिख रखा है, मतलब अगर इसको हम अगर ये आपके अगर अर्थ है, ठीक है, ये आपके मान लो अर्थ है आपका, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, फिर इधर देख लेते हैं 23.5 डिग्री मान लेते हैं, अगर ये 23.5 डिग्री के आसपास है, यहाँ पर भी 23.5 मान लेंगे, ठीक है। फिर आगे जैसे बढ़ देंगे यहाँ पे कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा, फिर 60 आएगा आपका, ठीक है, 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी, इधर 90 हो जाएगा, फिर 60 होगा इधर, फिर 40 होगा आपका ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर सूर्य का हमारे सूर्य का किरणें यहाँ पर हैं, सूर्य यहाँ पे है, तो सूर्य की अगर किरणें यहाँ पे 100 जितना भी तापमान यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे भेज रही है, अगर यहाँ पे तापमान जो प्राप्त हो रहा है उसको अगर हम 100 मान लेते हैं, यानी जो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा है, अगर वहाँ पे जो तापमान प्राप्त हो रहा है उसको हम अगर 100 मान लेते हैं, यानी 100, ठीक है, जितना भी प्राप्त हो रहा है 100 उसको मान लेते हैं, तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे यानी पोल की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, गिरावट आएगी, ठीक है, यानी सूर्य तप में क्या होगी, कमी आएगी। तो अगर यहाँ पर 100 प्राप्त हो रहा है तो यही 40 डिग्री पे कितना मिलेगा हमको, ये 79% मिलेगा उसका भाग केवल, यानी अगर यहाँ जितना है उसका 100% मान लेते हैं तो यहाँ पे 40 डिग्री पे घट के कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, और 60 डिग्री पे आते आते कितना हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, और 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, ये 42% हो जाएगा, यानी जितना यहाँ पे आ रहा है इक्वेटर पे है उसका 42% ही कहाँ मिलता है हमें, इक्वेटर पर, यानी सॉरी पोल पे मिलेगा, ठीक है, दक्षिणी पोल भी और आपका उत्तरी दोनों पोल पे ये आपको 42% के आसपास ही मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य तप जो है कैसे जो है इक्वेटर से जो है पोल की तरफ घटता है सूर्य तप, ठीक है। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे है कि अतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो है सूर्य तप की मात्रा घटती है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अक्षांश लिखा हुआ है, यानी कि कितना अक्षांश पे हो रहा और सूर्य तप की मात्रा लिखी हुई है। तो हमने क्या देखा, 0 डिग्री पे अगर हम 100 मान लेते हैं तो 10 डिग्री पे घट के कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 20 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 40 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, और 50 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा लगभग, 60 पे कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 70 पे 47 हो जाएगा, 80 पे 43 हो जाएगा आपका, और 90 पे आगे कितना हो जाएगा, 42। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं मतलब ऑप्शनल के साथ, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, मुख्य मुख्य लिख लेंगे कि यहाँ पे 0 पे 100 होगा और
60 पे 57 हो जाएगा और 90 पे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, क्योंकि सारे तो आप याद नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं मेन मेन लिख लेंगे, तो उससे जो है टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ आपको आता है, ठीक है। तो ये आपको आंसर नंबर दिलाने में मदद करेगा अगर आप ऐसे बना के लिखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा कारक क्या है जो प्रभावित करता है सूर्य तप के वितरण को, तो दूसरा कारक क्या है आपका, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की दूरी, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारी मान लो आपका सूरज है और सूर्य क्या करती है, सूरज पृथ्वी हमारी है, तो सूर्य क्या क्या करती है, चक्कर काटती है ना वो, ठीक है। और कैसी अवस्था में काटती है, ऐसे काटती है गोलाकार ना काट करके, वो कैसे काट करती है, दीर्घाकार कक्षा में जो है परिक्रमा करती है वो। तो क्या ऐसे में होता क्या है, कुछ स्थान कुछ समय एक समय ऐसा आएगा जब वो सूर्य के सबसे नजदीक होगी और एक समय ऐसा आएगा जब वह सूर्य के सबसे दूर होगी। तो जो दूर होती है कब होती है, दूर होती है मान लो कि पृथ्वी है ये, तो दूर होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को सबसे दूरी पर होती है पृथ्वी सूर्य से, इसको क्या बोलते हैं, अपसौर, अपसौर, ठीक है, अपसौर बोलेंगे इसको हम। और सबसे नजदीक होती है आपकी कब है, ये आपकी होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को होती है आपकी, ठीक है। और ये आपकी 3 जनवरी को जो होती है, तो ये जब होती है तो उसको बोलते हैं उपसौर, उपसौर, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब दूर होता तो उसको बोलते हैं अपसौर और जब नजदीक होता है तो उसको बोलते हैं उपसौर। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है कि कब होता ऐसा है, तो 3 जनवरी को जो है सबसे नजदीक होगी। अब जब नजदीक होगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा तापमान मिलेगा सूर्य, यानी सूर्य तप ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो सूर्य तप की प्राप्ति होती ज्यादा होती है, कितनी होती है, 6.6% अधिक होती है, जितना नॉर्मल टाइम में मिलता है उसको सूर्य तप, उससे 6.6% जो है अधिक सूर्य तप इसको इस समय मिलेगा, ठीक है। चलिए बस यही लिखना लिखना है, इसकी इसी को एक्सप्लेन कर देना है आपको, ठीक है। तो भाई लिखा हुआ है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो है परिक्रमण करती है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी जो है 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है, कितनी दूरी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर होती है इस टाइम पर दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच। इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, अपसौर, अपसौर याद रखिएगा, अपसौर। और 3 जनवरी को क्या होगा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होगी, इस समय दूरी कितनी होती है, 147 मिलियन किलोमीटर, यानी कि लगभग इन दोनों में कितना अंतर आ रहा, 5 मिलियन किलोमीटर का अंतर आ रहा, सोचिए आप, ठीक है। इस स्थिति को क्या बोलेंगे हम, जब नजदीक होगी बोलेंगे उपसौर, ठीक है। उपसौर की स्थिति में हमने क्या बताया आपको, 6.6% जो है अधिक सूर्य तप जो है पृथ्वी को प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये दूसरा कारण हो गया हमारे जो सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला कौन सा कारक है हमारा, अगला आपका है दिन की अवधि, यानी कि दिन कितना लंबा हो रहा है, ठीक है, दिन की अवधि। तो दिन की अवधि क्या होती है, देखो दिन की अवधि में क्या है, ग्रीष्म ऋतु में मान लेते हैं अगर, क्योंकि हमको एक सीजन मानना पड़ेगा ना, किस समय की बात हो रही है, तो ग्रीष्म ऋतु की बात होगी या तो शीत ऋतु की बात करेंगे हम। तो हम ग्रीष्म ऋतु में अगर मानते हैं, हम मान लेते हैं ग्रीष्म ऋतु, तो आपको पता है ग्रीष्म ऋतु अगर है मान लो, तो इसका मतलब जो सूर्य आपकी ये इक्वेटर हो गई 0 डिग्री, उस समय क्या होगा आपका, कर्क रेखा पे सूर्य होगा। अगर भारत में अगर आप हैं तो उस समय जो सूर्य कहाँ पे होगा आपका, कर्क रेखा पे होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से जो है पोल की तरफ जो है दिन की अवधि जो है बढ़ेगी, यानी कि अगर यहाँ पे 12 घंटे का दिन है तो यहाँ पे जो कर्क रेखा है उसके आसपास जो आपका 13 घंटे का हो जाएगा दिन लगभग, और उसके और आगे बढ़ेंगे फिर 14 घंटे का होगा, फिर 16 घंटे का, और यहाँ पे पोल पे आके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा, 6 महीने का ताप दिन हो जाएगा आपका, यानी कि 6 महीने दिन होता है यहाँ पर और 6 महीने रात होती है यहाँ पर उत्तरी ध्रुवों पे, ठीक है। तो जब सूर्य कहाँ पे होगा, कर्क रेखा पे होगा, तब हम क्या कहेंगे कि जो दिन की अवधि है वो कैसे बढ़ेगी आपकी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी सबसे छोटा दिन कहाँ होगा, विषुवत रेखा पे होगा, और सबसे बड़ा दिन कहाँ पे होगा, ध्रुवों पे होगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। फिर उल्टा इसका देख लेते हैं, मान लो कि इधर सूर्य है यानी मकर रेखा पे है,
भारत में इसमें क्या होगा, ठंडी होगी, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, गर्मी होगी। ठीक है, मकर रेखा की बात कर लेते हैं। अब सूर्य कहाँ पे चला गया है, यहाँ पे आ गया है, ये मकर रेखा पे आ गया। अब मकर रेखा पे होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 महीने क्या होगा, अब रात होगी उत्तरी ध्रुव पे। अब यहाँ पे जो 6 महीने क्या हो जाएगा, आपका दिन हो जाएगा इधर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, जब यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में दिन होगा तो दक्षिणी ध्रुव में रात होगी। ठीक है, तो जब दक्षिणी ध्रुव में दिन होगा तो उत्तरी ध्रुव में रात होगी। ठीक है, और इक्वेटर पे क्या होता है, हमेशा दिन बराबर रहते हैं, यानी 12 घंटे का ही दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है मूवमेंट होने से ऐसा होता है ये। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका सूर्य कलंकों की संख्या, यानी कि सन स्पॉट्स बोलते हैं, सोलर सन स्पॉट्स बोलते हैं इनको। एक्चुअली होता क्या है, सूरज हमारा है, ठीक है, तो सूर्य में तो होता क्या है, हर 11 से 13 वर्षों के बीच, ठीक है, हर 11 से 13 वर्षों के बीच जो सूर्य की जो सतह है उस पर क्या होता है, घटनाएं होती हैं कुछ कुछ। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे यूवी रेज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगती है, यूवी रेज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगती है यूवी। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण बढ़ जाता है, जिसे ही क्या बोलते हैं हम, सन स्पॉट्स। ठीक है, और जब यूवी ज्यादा मात्रा में आएगी पृथ्वी पर तो जिससे क्या है, सूर्य ताप में कितना वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या कारण है, सौर कलंक क्यों आते हैं, तो अभी ये वैज्ञानिक खोज का विषय बना हुआ है, अभी वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं सूर्य की सतह पे जिसकी वजह से ये यूवी ज्यादा मात्रा में बनने लगती है हर 11 से 13 वर्ष के बाद। तो ये अभी क्या है, खोज का विषय है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, आपको इतना ही लिख देना है कि हर 11 से 13 वर्ष की अवधि में इनकी संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, सूर्य की सतह पर जब इनकी संख्या अधिकतम होती है, ज्यादा मात्रा में इनकी सन स्पॉट्स बनेंगे, सन स्पॉट्स क्या होते हैं, काले रंग के धब्बे बन जाते हैं सूर्य के ऊपर। ठीक है, फिर होते हैं तो पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी रेज जो होती हैं 20% तक अधिक होता है, जो आता है यूवी रेज सूर्य से नॉर्मल समय में उससे 20% अधिक आने लगती है, ये कब, सन स्पॉट्स की स्थिति में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, वायुमंडलीय दशा। अब वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं, प्रभावित करती हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित क्या क्या होता है, आपको पता है जलवाष्प होती है, ठीक है, ओजोन परत भी है, बादल होते हैं, धूल कण है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कैसा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, हम मान लो आपकी ये अर्थ हो गई है, ठीक है, यह आपका इक्वेटर हो गया, तो सूर्य जो हमेशा वर्ष भर तापमान कहाँ अधिक करता है, इक्वेटर पर भेजता है यहाँ पे। तो आप अब लेकिन जब आप देखेंगे सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जो सबसे अधिक गर्म स्थल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके ये कर्क रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको, कर्क रेखा के आसपास मिलेंगे आपको, या फिर मकर रेखा के आसपास मिलेंगे आपको, यहाँ पे नहीं मिलेंगे इक्वेटर पे। क्यों नहीं मिलते हैं, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे क्या होता है, वर्ष भर वर्षा होती है ना, संवहनीय बादल बनते हैं यहाँ पर हैं। आगे हम देखेंगे भी अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में, कि यहाँ पे वर्षा कैसे होती है इक्वेटर पे। तो आपको अभी या ये बताए दिए दे रहे हैं हम कि यहाँ पे जो इक्वेटर पे वर्षा होती है वो डेली वर्षा होती है, और किसके माध्यम से होती है, संवहनीय वर्षा होती है यहाँ पर। तो संवहनीय वर्षा होती है जिसकी वजह से यहाँ का जो क्षेत्र होता है पूरा क्या होता है, बादलों से कवर होता है। ठीक है, बादल पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, यानी इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे क्या पाया जाएगा, आपको बादल मिलेगा। अब जब सूर्य से जब किरणें आएंगी तो क्या, बादल से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मात्रा में ही जो है सूर्य तक जो है पहुंच पाता है, काफी जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे धरातल पे तापमान क्या है, कम पहुंचेगा। ठीक है, इसीलिए जो गर्म क्षेत्र आपके होते हैं, जो लीबिया का सबसे गर्म क्षेत्र आपका अल अजीजिया करके नाम है जगह का, तो वहां पे विश्व का सबसे गर्म स्थल है वो। ठीक है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, ये इस वाले एरिया में पाया जाता है, कर्क रेखा के आसपास। उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, शुष्क क्षेत्र है ये। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है आपका, शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, तो शुष्क क्षेत्र होने की वजह से होता क्या है, यहाँ बादल नहीं बनते हैं। अब बादल नहीं बनेंगे तो जो सूर्य का ताप
प्रकाश आएगा तो नीचे धरातल तक पूरा पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से क्या है ज्यादा मात्रा में उसको सूर्य तप मिलेगा। ज्यादा मात्रा में सूर्य तप मिलेगा तो जाहिर सी बात है तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया होगा कि जो गर्म स्थल हैं, विश्व के सबसे गर्म स्थल हैं, वो इसी एरिया में क्यों पाए जाते हैं, ना कि विषुवत रेखा पर क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यही पर है, हमने बता दिया कि वायुमंडलीय दशाएं जो है इसको प्रभावित करती हैं। अगला क्या आपका है धरातली दशाएं। तो धरातली दशाएं में क्या होता है जल एवं स्थल का वितरण, जल और स्थल जो होता है आपका है जल भाग यानी कि जलमंडल, स्थल भाग यानी स्थल मंडल। ठीक है, तो आपको पता है जल जो होता है देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होता है। स्थल की खास बात क्या होती है जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होता है। तो ये भी जो है सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका जो है क्या है एल्बिडो है। अब एल्बिडो क्या होती है, एल्बिडो क्या होता है धरातल पर मान लो कोई जो प्रकाश आ रहा है, मतलब सूर्य से जो है धरातल आपका है ये, और धरातल पर कोई प्रकाश आ रहा है, तो इस प्रकाश का बिना उपयोग किए अगर कोई चीज इस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है कहाँ अंतरिक्ष में, तो उसे ही क्या बोलते हैं उस सतह के एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम परिभाषा में कैसे ले सकते हैं, धरातल पर प्राप्त होने वाला सूर्य तप का वह भाग, सूर्य तप का वह भाग जो बिना प्रयोग किए वापस परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है इसको धवलता कहलाती है। प्रत्येक सतह की धवलता जो यानी कि एल्बिडो होती है, एल्बिडो मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको धवलता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एल्बिडो बोलते हैं, एल्बिडो भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एल्बिडो महत्वपूर्ण जो हमारी हैं, कभी कभी एग्जाम में दे सकता है ये पीटी में। ये सतह आपकी हो गई, ये उसकी एल्बिडो है। तो हिम आच्छादित जो होती है, यानी हिम आच्छादित क्या होता है बर्फ की चादर से ढका हुआ सरफेस, यानी कोई सतह है अगर इस पर बर्फ गिर जाती है तो ये क्या बन जाएगी हिम आच्छादित सतह। ठीक है, तो हिम आच्छादित सतह जो होती है उसकी एल्बिडो सबसे अधिक होती है, 70 से 90% होती है। यानी कि क्या मतलब है जो भी प्रकाश आएगा उसका 70 से 90% वापस भेज देगा ये सतह, हिम जो होता है आपका हिम बर्फ यानी कि। ठीक है, 70 से 90% क्या वापस भेज देगा, वो बचा कितना आपका 10 से 30% केवल लेगा केवल। तो क्या होगा सूर्य तप की मात्रा प्रभावित हो जाएगी ना फिर तो। ठीक है, क्योंकि जितना भी प्रकाश आ रहा है उसको क्या कर रहा है वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दे रहा है। तो यहाँ पे हिम आच्छादित की एल्बिडो होती है सबसे ज्यादा होती है, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला क्या आपका गहरे बादल। अब गहरे बादल, बादल किससे बने होते हैं आपको पता है, बादल जो है बर्फ के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे होते हैं वहां पे पानी क्या होता है जम जाता है बर्फ के रूप में। ठीक है, तो गहरे जो बादल होते हैं आपके वो भी क्या करते हैं जितना भी प्रकाश आता है वो क्या करेंगे रिफ्लेक्ट कर देंगे वापस भेज देंगे अंतरिक्ष में। तो इनकी कितनी होती है एल्बिडो 70 से 80%। अगला देख लेते हैं रेत। तो रेत का भी एल्बिडो कितना होता है 20 से 30% होता है। ठीक है, फिर घास, घास का कितना होता है 14 से 37%। ठीक है, वन पेड़, तो वन क्या होता है 5, इनकी कम होती है 5 से 10% ही होती है। और जल की सबसे कम होती है आपकी है 3 से 5%। तो कभी भी एक क्रम में लगाने को आ सकता है कि क्रम में लगाइए कि किसके एल्बिडो अधिक है, बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम जो उसकी मर्जी हो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आयोग क्या पूछ सकता है उसका हमको आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है आपका ढाल तथा ढाल की दिशा। अब आपका ढाल की दिशा क्या होती है, जैसे मान लो कोई पर्वत है आपका, ये पर्वत हो गया, मान लीजिए हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे सूरज आपका है, तो आपको पता है अगर सूरज जिस साइड में होगा, इस साइड सूरज है। ठीक है, या मान लो ये आपका दक्षिणी होगा, दक्षिण हिस्सा, दक्षिणी सरफेस हो गया यानी दक्षिण मुख हो गया, और इधर क्या पड़ेगा दक्षिण के उत्तर में क्या होगा आपका उत्तर होगा। तो हमेशा जो सूर्य उगेगा किधर से उगेगा, पूरब से उगेगा, पूरब से उगेगा फिर दक्षिण में जाएगा, दक्षिण से होते होते पश्चिम में आएगा, तो उत्तर में कभी भी सूर्य जो है नहीं पहुंचेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ जो दक्षिणी ढाल है आपका, ये दक्षिणी का ढाल है आपका, इस पे सूर्य तप अधिक मिलेगा, बल्कि इस पे जो सूर्य तप है जो बहुत ही कम मिलेगा, नाम मात्र का ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो वायुमंडल से जो प्रकाश होगा इधर उधर बिखर करके इधर पहुंचेगा केवल, ये सीधे सीधे इसको सूर्य की प्राप्ति नहीं मिलेगी, सूर्य तप की प्राप्ति नहीं होगी। तो वही है क्या इसमें लिखेंगे हम यही लिख सकते हैं ना कि सूर्य की दिशा वाले जो ढाल होते हैं उन पर सूर्य तप अधिक मिलता है, तथा विपरीत दिशा में जो सूर्य तप होता है की मात्रा कम प्राप्त होती है। यही आपको क्या हो गया ढाल तथा
ढाल की दिशा, यानी ये भी जो है सूर्य तप की प्राप्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है नहीं, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए ओके, थैंक यू।